दोस्तों नमस्कार, इस आ गए नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही न्यू ट्रिक और वो भी अजमाया हुआ ट्रिक। क्या ट्रिक जानते हैं? मोबाइल फोन सबके पास है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने जा रहा है। आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका मोबाइल का बैटरी अगर आपका एक दिन जाता है तो जरूर दो दिन जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर दो दिन जाता है तो चार दिन जाएगा, चार दिन जाता है तो समझ जाइए आठ से दस दिन जाएगा। यार एकदम ये ट्रिक अजमाया हुआ है और ये ट्रिक अगर सक्सेस नहीं किए आप तो कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा। और इसमें हम आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने के लिए कहेंगे। एक आता है बैटरी सेवर, उस सब को नहीं रखना है। एक चीज और, अगर आपके मोबाइल में वायरस भगाने वाला कोई भी एप्लीकेशन है, क्लीनर ऐप कोई भी है, तो उसको पहले डिलीट कर दीजिए। वो आपका बैटरी सबसे ज्यादा खाता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा बैटरी मोबाइल में सबसे ज्यादा कौन खाता है? नहीं नहीं ये पता है, आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले सबसे ज्यादा बैटरी खाता है। और दो तीन ट्रिक ऐसा हम आपको बताएंगे जिससे आपका बैटरी बहुत ज्यादा चलेगा और कोई भी ये सेटिंग करके नहीं रखता है। मात्र एक दो सेटिंग से आपका मोबाइल का बैटरी चार गुना अगर ज्यादा चलने लगे, आप कहिएगा टेक्निकल भाई बहुत ही मस्त ट्रिक बताए यार सच में। और ये ट्रिक हम हमेशा यूज करके रखे हैं और हमेशा यूज करते हैं, हमेशा इसी ट्रिक से हम अपना मोबाइल चलाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मजेदार ये वीडियो होने जा रहा है और आप लोग करने वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको ये ट्रिक पहले से पता नहीं है, हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, हम जो जो ट्रिक इसमें यूज किए हैं वही सब बताएंगे। ये वीडियो में कुछ ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका मोबाइल की बात है, एंड्रॉइड फोन अगर है तो फिर आप बैटरी से जरूर परेशान होते हैं, क्योंकि सबका यही कहना है सर बैटरी कम टूटता है। तो आपका ये ट्रिक बहुत ही मस्त है, आप ये ट्रिक को अच्छा से समझिए। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और ये ट्रिक ये हम मोबाइल से रिलेटेड इसलिए बना रहे हैं कि ये ट्रिक हम खुद अजमा के चल रहे हैं, तो सोचे अपना दोस्त को क्यों ना बता दें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब करते करते आपको और क्या करना है जानते हैं? घंटा भी दबा लेना है, उससे क्या होगा मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो दोस्त यहां से समझाने से अच्छा है थोड़ा सा हम चलते हैं डिस्प्ले पर और आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम आपको बता चुके हैं एक की कोई भी क्लीनर एप है तो उसको डिलीट कर दीजिए, वो कुछ नहीं करता है, आपका फोन को हमेशा ही घूमते रहता है जहां तक, और आपका वायरस भी घुसाता है वो, ठीक। उसके बाद बैटरी सेवर भी कोई एप्लीकेशन है तो उसको डिलीट कर दीजिए। और मोबाइल में जो बैटरी सेवर है वो कोई काम का नहीं है, वो किसी का मोबाइल का बैटरी सेवर काम नहीं करता है। उससे अच्छा हम ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक से आपका 100% काम होगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलरेडी हम आ चुके हैं डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आप रूम में हैं या फिर अंधेरे में कहीं हैं तो सबसे पहले ऊपर से ऐसे कीजिएगा, और ऊपर से अगर कोई फोन में ऊपर से रहता है कोई फोन में नीचे से, अभी हम नीचे से स्लाइड करते हैं। यहाँ पर एक दो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या जानते हैं? सबसे पहले ये बैटरी का ब्राइटनेस, इसको एकदम जीरो करके रखिए। रूम में अगर है, बाहर है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हैं जिससे आपका डिस्प्ले आपको दिख जाए, उससे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रखना। ये बैटरी बहुत ज्यादा खाता है, सबसे ज्यादा बैटरी यही खाता है, ठीक है। और फालतू का आप टच जो है इस्तेमाल ज्यादा नहीं कीजिएगा, टच में भी थोड़ा सा बैटरी ज्यादा देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरा बीटी ऑन है, तो बीटी ये सबको ऑफ कर सकते हैं, नहीं भी कीजिए तो ये सब ज्यादा बैटरी का लेन देन नहीं है। अब जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, ट्रिक यहीं पर छुपा हुआ है, एक तो ब्राइटनेस और एक दूसरा क्या है, देखिए अभी हम इसको टच करते हैं, ये सबके फोन में होता है, एक कैंसिल का, एक होम का और एक ये, इसको आपको टच करना है, चाहे कोई भी फोन हो इसको टच कीजिएगा। इसको टच कीजिएगा तो आपके पास जो जो एप्लीकेशन खुला हुआ था सब चीज आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, सिंपली ऐसे खत्म कर देना है सबको। अगर इसको आप खत्म करते हैं तो ये क्या होता है, रैम जो क्लीन हो जाता है, रैम क्लीन अगर होता है तो रैम का क्या काम है कि आपका फोन में जो जो चीज ऑन है उसको ऑन रखना और उसको ढूंढते रहता है, उसमें बैटरी बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो और एक चीज जो है सबसे बड़ी चीज,
मोबाइल के अंदर की बैटरी क्यों सबसे ज्यादा खाता है, तो अब आपको हम ले चलेंगे थोड़ा सा सेटिंग में, ठीक है। और सेटिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास जितना गूगल है, गूगल का जो सिंक ऑन है उसको ऑफ करना है, उसको ऑफ करके रखिएगा तो बैटरी बहुत ज्यादा चलता है। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग में, तो मोबाइल का सेटिंग में चलते हैं, मोबाइल का सेटिंग यहाँ भी है मेरा, यहाँ से चलते हैं और चले जाना है आपको गूगल में, ठीक है। तो गूगल में चले गए और यहाँ पर हमारा जितना भी जो भी है एप्लीकेशन जिसका फीडबैक सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ बिकअप में जाना है, बिकअप में जाने के बाद सबको ऑफ कर दीजिएगा, जो जो ऑन है हमारा, देखिए ऑलरेडी सब ऑफ है, तो ऑफ कर दीजिएगा, इससे भी बैटरी बहुत ज्यादा कम होता है। अब उसके बाद है सिंक, सिंक सबका ऑफ करना है, सिंक ऑफ करने के बाद भी बैटरी कम खाता है। ये आप नीचे देख सकते हैं अकाउंट सिंक, तो इसमें जो है सब, मेरा तो बहुत ज्यादा जीमेल है, तो आपको उसमें भी जाकर के कोई भी अकाउंट में जिसे गए और ये सब सिंक को ऑफ कर देना है, ये सब ऑफ कीजिएगा तो ये भी बैटरी खत्म कम खाता है। उसके बाद एक चीज और है, एप्लीकेशन में आपको जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद जो जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस सबको आपको डिलीट कर देना है या फिर उसको स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप कैसे करना है, जैसे हम एप्स में गए, ठीक है, एप्लीकेशन एंड परमिशन में गए और एप मैनेजर में गए, ठीक है, तो एप मैनेजर में गए और ये थोड़ा सा लोडिंग लगा खुलने में। जैसे कि हम मान लीजिए हम फोर फन का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन का, चलिए फोर फन ही ले लेते हैं, फोर फन का यूज नहीं कर रहे हैं, इसको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है, ठीक है। स्टोरेज में गए और यहाँ से क्लियर कैश क्लियर डेटा कर दिए, बस क्लियर कैश क्लियर डेटा, ये क्लियर डेटा है, हम क्लियर डेटा इसलिए नहीं करेंगे, इससे मेरा आईडी लॉगिन है तो फिर नहीं करेंगे, क्लियर कैश कर दिए, क्लियर डेटा। जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं मोबाइल में रखना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका खाली अगर क्लियर डेटा आप कर दीजिएगा तो वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगा फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा छोटा सा ट्रिक और बैटरी एकदम 100% आपका बहुत ज्यादा चलेगा, करके देख लीजिए। और एक चीज मोबाइल संबंधी जब बात हो रहा है तो एक चीज और बता दें, हो सके तो आप महीना में दो महीना में एक बार रीसेट जरूर फोन को मारा कीजिए, अगर आपका फोन ज्यादा पुराना हो चुका है तो उससे भी बैटरी बचता है। हाँ, रीसेट मारने के बाद आपका शक्ति उड़ जाएगा, तो इसलिए नंबर उम्बर जो है आप ईमेल पे रखिएगा। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।